प्रेगनेंसी ड्यूरिंग डायबिटीज इज अ वेरी कॉमन बट वेरी चैलेंजिंग। बढ़े हुए शुगर से ना आपकी हेल्थ पर बल्कि आपके बेबीज पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। प्रेगनेंसी में शुगर क्यों बढ़ जाती है और इसका आप पर और आपके बेबी पर क्या असर पड़ता है, इसको जानने के लिए ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। बट सही अप्रोच से आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर सकते हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर कैसे हम खुद के लिए एक अच्छी डाइट और वेल प्लान मील को प्रिपेयर करें सो दैट आपका शुगर नॉर्मल रहे और आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ रहे। आई एम डॉक्टर मिनाली गुप्ता, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली टिप, रेगुलरली बट शॉर्ट इंटरवल, यानी थोड़ा थोड़ा खाओ बट बार बार खाओ। इससे आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा और आपकी शुगर लेवल बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट्स नहीं होंगे। सेकेंड टिप, कैलोरीज। बहुत लोगों को लगता है कि कम कैलोरीज लेने से हमारा शुगर लेवल कम हो जाएगा, बट दिस इज द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कम कैलोरी करने की बजाय हमें अपनी डाइट को स्मार्टली हैंडल करना होगा। बट कैसे? डायरेक्ट चीनी से बनी हुई चीजों को अवॉइड करके, यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की बजाय कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को चूज करें। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मतलब जो कि हमें मीठी चीजों में मिलते हैं, जिससे ब्लड शुगर तुरंत ही राइज हो जाता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो जिससे ब्लड शुगर धीमे धीमे बढ़ता है, जैसे कि गेहूं, चावल, ज्वार और बाजरा। सो हमें अपनी डाइट में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की बजाय कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी को बढ़ाएं। हमें अपनी डाइट में प्रोटीन्स, फाइबर्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड गुड फैट को रखना है। फाइबर्स हमारे डाइजेशन को स्लो कर देते हैं और हमारी बॉडी में ब्लड शुगर के लेवल को धीरे धीरे एब्जॉर्व करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में ब्लड शुगर राइज नहीं होता। फाइबर्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में पाए जाते हैं। सो आप डेली मील में दो फ्रूट्स और वेजिटेबल सैलड अपनी डाइट में जरूर इस्तेमाल करें। प्रोटीन्स हमारी बॉडी में कैलोरीज इंटेक को बढ़ाती हैं और हमारी मसल्स को बिल्ड करती हैं। यदि आप वेजिटेरियन हैं, तो आप प्रोटीन्स के लिए सोयाबीन, पनीर, मटर, छोला इन सबको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप फिश को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो डेली 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिए। प्लीज अवॉइड जंक फूड्स लाइक केक्स, पेस्ट्री, बर्गर एंड पिज्जास। कोल्ड राइस, आप मॉर्निंग में सुबह उठकर एक चम्मच घी गर्म पानी के साथ और बादाम को लें, उसके बाद मीठी चाय की जगह पर काली चाय को पिए। इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। आप ब्रेकफास्ट में पोहा, मचीला विद बटर मिल्क एंड ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। लंच में चावल, रोटी, सैलड, वेजिटेबल्स एंड दाल को लें और एक फ्रूट्स को लेना ना भूलें। उसके बाद शाम के स्नैक्स हैं। शाम के स्नैक्स में यदि आपको बहुत ही कम भूख लगी है, तो आप दूध वगैरह ले लें ड्राई फ्रूट्स के पाउडर के साथ, और अगर ज्यादा है तो आप सोयाबीन का चीला या पोहा या उपमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ कम टू द नाइट। नाइट के लिए भी आपको एक पूरी थाली लेनी होगी, जिसमें दाल, रोटी, चावल, सब्जी और फल को लें, और हाँ सैलेड को लेना ना भूलें। मॉर्निंग में हाइपरग्लाइसीमिया को अवॉइड करने के लिए रोज मेडिटेशन करें, और हाँ डेली 30 मिनट्स वॉक इज कंपल्सरी। एट इवनिंग जब भी आपको टाइम मिले, आप 30 मिनट्स की वॉक जरूर करें। सो इस रूटीन को फॉलो करके आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान शुगर को नॉर्मल रख सकते हैं और एक हेल्दी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर सकते हैं। बट इसके बाद भी आपका शुगर नॉर्मल नहीं होता है, देन प्लीज गो टू द डॉक्टर फॉर मेडिकेशन। यदि इसके बाद आपकी कोई और भी क्वेरीज है, देन प्लीज गो टू द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, और हाँ मेरी इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।